चलिए, मैंने बताया था इस पाचन तंत्र में हमारा जो पाचन तंत्र है वह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैला होता है। लगभग यह है एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो पाचन तंत्र 9 मीटर लंबी होती है और उसमें भी कौन कौन से मुख्य पाचक अंग होते हैं। उसमें पहला मुख्य पाचक अंग हमारा मुख है, उसके बाद ग्रसनी या ग्रास नाल, उसके बाद जो है अमाशय, छोटी आंत और उसके बाद आती है बड़ी आंत। और अगर इसको इंग्लिश में देखें तो माउथ, इसोफेगस, स्टोमैच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ना। अब उसके बाद पाचक अंगों के साथ साथ कुछ आपको बताते पहला पाचक तंत्र दांत मुख है ना, मुख में ही दांत होता है, बात समझे? पूरे माउथ की सहायता से आप भोजन को जो है क्या करते हैं, पूछते ना। उसके बाद आते हैं ग्रंथियां। क्या है ग्रंथियां? हमारी जैसे कुछ प्रमुख पाचक अंग हैं, उसी प्रकार से कुछ पाचक ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स भी हैं। सबसे पहले है लार ग्रंथि जिसको सलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, उसके बाद यकृत जिसे लिवर कहते हैं, उसके बाद अग्न्याशय जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, है ना। अब चलते हैं इसके टूटे फूटे चित्र पर और देखते हैं उसमें किस प्रकार से कहां कहां पर क्या होता है। बताइए ये वाला टॉपिक पूरा कंफर्म हुआ, जिसे आपने नोट भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हुए चित्र की सहायता समझते हैं। चित्र जैसे आपको बनाना होगा, रफली हम फिगर बनाएंगे, बहुत ज्यादा बोले इसमें आपको क्या करना है, देखिएगा चित्र शुरू होगा, बोले चित्र शुरू होगा कैसे। सबसे पहले यहां पर होगा हमारा हेड, देखिए यहां से नोज शुरू होती है, यहां से नोज शुरू होती है और नोज बाद यहां पे माउथ हो जाता है और माउथ के बाद ऐसे, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां से हमारा गर्दन है ना, गर्दन के बाद जो है ये हो गया, ध्यान दीजिए। अब यहां से जो नली आती है, जैसे यहां से दो नली बढ़ जाती है, एक होती है ग्रास नली, दूसरी होती है श्वास नली। तो अभी हमें ग्रास श्वास नली से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक श्वसन तंत्र नहीं है, बल्कि हमारा टॉपिक क्या है, पाचन तंत्र। इसलिए हम जो स्पेशली जो टोटल बातें करेंगे वो हमारी पूरी की पूरी बात किस पर होगी, पूरी बात हमारे जो पाचन तंत्र पर होगी। ये देखिए, ये जो है यहां से सीधा जिसको मैंने इसोफेगस बताया है, ग्रास नली, यही हमारी ग्रास नली है, ध्यान दीजिए। ये कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे करते हैं, संकुचनशील होती है, ऐसे जाते, ठीक है, बिल्कुल सीधी नहीं, इस प्रकार से होती है। और ये जो है यहां से जाने के बाद यहां देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति, अंग्रेजी के सी अक्षर से देख रहे ना, अंग्रेजी के सी अक्षर से ये हमारा अमाशय प्रारंभ हो जाता है, पेट। कुछ और भी ज्यादा इसको झुकाते हैं इस प्रकार से, देखिए अंग्रेजी के सी अक्षर से हमारा जो है यहां पर स्टोमैच पेट आ जाता है। पेट के बाद सीधे जो है यहां से शुरू हो जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, जो कि कुछ इस प्रकार से फैली होती है। एक चित्र के माध्यम से समझे तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज कहने के लिए केवल इसका नाम लार्ज है। इसके बीच में जो है कौन सी टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटियां, है ना। अब देखिए और कहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा और कहां पर क्या है, देखिएगा इसमें और भी चीजें हैं। जैसे अभी तक क्या क्या मैंने बताया था प्रमुख पाचक अंग में, सबसे पहले किसका नाम लिया था, माउथ, मुख का, है ना, मुख हो गया। प्रमुख पाचक अंग की बात कर रहा हूं, मुख, उसके बाद क्या बताया था, ग्रास नली,
ग्रास नली या ग्रसनी इसोफेगस है ना, या ग्रसनी इसको कहते हैं। उसके बाद किसका नाम लिया था, स्टोमेच यानी पेट का, अमाशय का, अमाशय का। उसके बाद किसका नाम लिया था, उसके बाद नाम लिया था छोटियां, छोटी आंत। उसके बाद नाम लिया था बड़ियां। बोलिए इस चित्र में कोई डाउट है? नहीं, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र का एक फिगर है। इसमें मैंने रफली जो भी समझाने का प्रयास किया है वो इसमें क्या है कि आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। फिर यहां से हमारा शुरू हो जाता है लीवर। क्या शुरू हो जाता है? लीवर, जो कुछ इस आकृति का होता है, हमारा लीवर है। ये हमारे स्टोमेच के आसपास जो है स्थित होता है, दो पिंड के आकार का ये लीवर की आकृति होती है। और लीवर से ही जुड़ा हुआ क्या होता है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर है ना, पित्ताशय। और ये जो है यहां पर कुछ पत्ती नुमा आकृति होती है कुछ इस प्रकार से। ये पत्ती नुमा आकृति, इसको हम कहते हैं ये हमारा यकृत है। क्या है? यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। और ये हमारा पित्ताशय है जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। और ये जो है ये वाली आकृति जो पत्ती नुमा आकृति है इसको हम कहते हैं क्या है, क्या है, अग्न्याशय, जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियास। तो इस पाचक अंग में देखिए मुख पाचक अंग कौन कौन से, मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, अमाशय हो गया, अमाशय के और बड़ी आंत हो गए, छोटी आंत और बड़ी आंत है ना। ये उसके बाद जो है ये तो प्रमुख पाचक अंग। और प्रमुख पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मुख में देखिए, यहां से कुछ ग्रंथियां फैली होती हैं जिन्हें हम कौन सी ग्रंथियां कहते हैं, लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां, जो लार का स्राव करती है। उसके बाद यकृत, जो कि हमारी दूसरी ग्रंथि है। उसके बाद जो है अग्न्याशय, पैनक्रियास, जो कि हमारी तीसरी ग्रंथि है। तो पाचन के लिए मुख्य कौन कौन सी ग्रंथियां कार्य करती है, लार ग्रंथि, दूसरी होती है यकृत ग्रंथि, और तीसरी होती है तीसरी अग्न्याशय। शरीर की सबसे बड़ी यकृत, ये कौन सी ग्रंथि है, यकृत, कौन सी है, यकृत, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या होता है, कैसे होता है पाचन, जरा इसको समझते हैं। अब आते हैं क्रियाविधि पर। पाचन शुरू, अभी पाचक अंग कौन कौन, मैंने केवल माध्यम बताया कि सहायक अंग है। अब मैं बताने कि पाचन शुरू कैसे, और पाचन यदि शुरू हो कैसे, कैसे शरीर में भोजन पचता, और किस किस चीजों को कौन कौन सी चीजें पचाती, इस यहां तक के नहीं ना, यही है मेन, मेनली नहीं है। अब इसके टॉपिक में कोई अंतर तो नहीं है, और आगे बढ़ते हैं तो बड़े सबसे पहले भोजन के कुछ भी आप खाते हैं तो भोजन क्या आप मुख में रखते हैं, मुख में रखने के बाद दांतों की सहायता से हैं भोजन के जो है कठोर टुकड़े को घुलनशील और सरल टुकड़ों में बदलना, या उसे जो है तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो इसके बाद मैंने जैसा कि कंफ्यूजन हो गया कि दांत और मुख, तो मुख में ही दांत है यही ना, तो क्या करते हैं दांत से क्या करते हैं भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं, और चबाने के बाद क्या करते हैं जीभ की सहायता से उसे क्या करते हैं, उसमें लार मिक्स करते हैं।
जैसे भोजन चबाते जाते मुख से लाल स्रावित होती है और लाल मिक्स करते इससे भोजन गीला और लसलसा हो जाता है। बात समझे? लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लार एंजाइम या एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लार एंजाइम, सलिवरी एंजाइम्स, या इसका नाम है एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। जब भी आप भोजन को कूचते हैं तो आपके मुख में लार एंजाइम या एमाइलेज, हालांकि टाइलिन भी लार में ही पाई जाती है, प्रमुख पाचक एंजाइम टाइलिन, लेकिन यहां देखिए लार एंजाइम या एमाइलेज जो है मुख में क्या होती है? स्रावित होती है। तो यह क्या करती है? इसका कार्य बता रहे हैं। इसका कार्य है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को, किसको? कार्बोहाइड्रेट, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को ये बदल दे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, यानी स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोस में बदल देती है। किसमें बदल देती है? माल्टोस में। माल्टोस यानी भोजन मीठा लगने लगता है। तब अधिक समय तक भोजन को जब आप चबाते हैं तो भोजन आपको कैसा लगता है? मीठा लगता है। रोटी वगैरह को लेकर अधिक समय तक चबाइए, वो मीठी लगना शुरू हो जाती है। बात समझ जाए ना? इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम भोजन को मुख में रखते हैं, उसे कुछ समय तक चबाते हैं, तो चबाने के बाद लार में एक एंजाइम आता है, इसे जिसको कहते हैं एमाइलेस एंजाइम, या इसको हम लार एंजाइम भी कहते हैं, सलिवरी एंजाइम भी कहते हैं। एमाइलेस एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोस में बदलना शुरू कर देता है। किसमें? माल्टोस में, जिससे हमें भोजन कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। मेरी बात समझ गए ना? अब जैसा समझिएगा, ये जो है ना ग्रास नली, देख रहे हैं ग्रास नली, ये ग्रास नली ना बिल्कुल ही जो है अंदर से इसमें बिल्कुल ही क्या फिसलनदार होती है, चिकनी फिसलनदार होती है, और उसके साथ साथ संकुचनशील होती है। संकुचनशील का मतलब इसमें सकुंचन प्रकुंचन होता है, मतलब ये फूलती पचकती रहती है, जैसे भोजन जाता होगा सब फैल जाती है, फिर इसको जो भोजन को ढकेलने का काम करती थी। बात समझ रहे ना? भोजन को यह हालांकि फिसलनदार तो होती है, लेकिन भोजन को ढकेलने का भी क्या करती है? कार्य करती है। बात समझे? तो भोजन यहां से अब ऐसे संकुचनशील होती है, इस यहां से भोजन फिसल कर जो है कहां पहुंचाता? हमारे अमाशय में। कहां पहुंचता है? अमाशय में। तात्पर्य ये है, ये जो दूसरी हमारी जो ग्रास नली है, इसोफेगस है, यहाँ पे भोजन की किसी भी मात्रा का कोई पाचन नहीं, भोजन की किसी भी मात्रा नहीं होता है। अब कहां पहुंच चुका है? अब हमारे अमाशय में। कहां गया भोजन? अमाशय में। अमाशय में, और अमाशय में क्या क्या देते हैं? अमाशय में चीजें, अमाशय में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। देखिए अमाशय में क्या, अमाशय में पहली चीज होती है, ध्यान दीजिए, पाचन इस तरह आएंगे, बुक में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बात समझना? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही लगा के पढ़िए, एकदम तैयार हो जाएगा पाचन कैसे कैसे। देखिए अमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचा मुख में क्या मिक्स किया? लार मिक्स करने, लार में उपस्थित जो लार एंजाइम एमाइलेज क्या करता है? ये जब भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है उसे माल्टोस में बदल देता है, और टाइलिन एंजाइम भी मुख में ही पाया जाता है, वह भी जो है क्या होता है? लार के साथ भोजन में मिक्स हो जाता है। देखिए लार प्रकृति से क्षारीय होती है। कैसे होती है? क्षारीय। फिर भोजन यहां से पाई जाती है। क्या क्या हमारे स्रावित करती है जरा उसे समझ लेते हैं। सबसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल ना, इसको हम ना जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस, जठर एसिड। और पेप्सिन क्या है? पेप्सिन। और अमाशय में
अमाशय में हमारे तीन चीजें हैं, अमाशय यहाँ पे लिखते हैं, वहां दिखाई दे रहा है, अमाशय में तीन चीजें हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, इसे क्या कहते हैं, जो कि अमाशय की दीवारों से स्रावित होता है। और दूसरा जो है पेप्सिन है, क्या है? पेप्सिन, पेप्सिन है। और तीसरा जो है, ये तीन चीजें हमारे अमाशय यानी पेट में पाई जाती हैं, तीन चीजें हमारे अमाशय यानी पेट में पाई जाती हैं। बोले माल्टोस, ग्लूकोज के कारण, माल्टोस। बोले अब चलते, सुनिए, जैसे ही भोजन हमारे पेट में पहुंचता है किसके संपर्क में आ जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड के। अम्ल कैसा होता है प्रकृति से? स्वाद कैसा होता है अम्ल का? खट्टा है ना, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यहाँ पे भोजन जो हमारा अम्लीय हो जाता है, यानी HCl के संपर्क में आते ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आते ही भोजन कैसा हो गया? अम्लीय हो गया, अम्लीय हो गया। अच्छा अब जान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आखिर कार्य क्या है अमाशय में, क्यों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में स्रावित होता है। इसको जठर रस भी मैंने बताया कहते हैं, ये हमारे अमाशय में स्रावित क्यों होता है जरा इसको जान लेते हैं, इसके मुख्य कार्य क्या है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य है, पहला कार्य यह ना, पहला कार्य करता है कि यह पेप्सिन को सक्रिय करता है। किसको? पेप्सिन को क्या करता है? सक्रिय बना देता है, पेप्सिन को सक्रिय बनाता है। जब पेप्सिन सक्रिय होती है ना, ध्यान दीजिए, यह सक्रिय बनाता है, और जब पेप्सिन सक्रिय होती है तो प्रोटीन का पाचन, जब पेप्सिन सक्रिय होती है तो किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, प्रोटीन का पाचन कर देती है। देखिए भाई, पेप्सिन सक्रिय होती है तो किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने पहला काम क्या किया? पेप्सिन को सक्रिय कर, और जब पेप्सिन को सक्रिय किया पेट से ही प्रोटीन का पाचन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। बात समझना, कौन? पेप्सिन, पेप्सिन। उसके बाद दूसरा कार्य है कि आप जब भोजन करते हैं, एक बात बताइए, हम जो कुछ खाते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं, इस लॉकडाउन की बात छोड़ दीजिए, लॉकडाउन से पहले की बात सोचिए, हम बाजार से जाते समोसा कुछ भी लेके खाते थे ना। अच्छा खाते थे क्या, उसमें 100% शुद्ध ही खाते थे? बाजार में कहीं पर समोसा बिक रहा है, खुला कर रखा, हमने खरीद लिया, खा लिया, कितने अभी हम कुछ बहुत से बैक्टीरिया वायरस हमारे यहाँ को दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे पेट में, हमारे अमाशय में जाते हैं। और वो जाते हैं तो जैसे ही हम उन्हें जो है उनको क्या करते हैं, चबा के जैसे हम उनको अंदर भेजते हैं तो वो अमाशय में पहुंचते हैं। और अब यहाँ पे दूसरा कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, भोजन के साथ पहुंचे हुए, भोजन के साथ पहुंचे हुए हानिकारक बैक्टीरिया वायरस आदि को क्या कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देता है, समाप्त कर देता है। बात समझे? तो और तीसरा कार्य है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके चार कार्य हैं, पहला कार्य भोजन को अम्लीय बनाना, दूसरा कार्य पेप्सिन को सक्रिय करना जिससे हम प्रोटीन का पाचन कर सके, तीसरा कार्य जो बैक्टीरिया को क्या कर देना, मार देना, और चौथा कार्य भोजन बचाना। फिर से मैं बोलूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने कार्य हैं? चार कार्य, यानी अब जठर रस कार्य है, पहला भोजन को अम्लीय बनाना, दूसरा पेप्सिन को सक्रिय करना, हानिकारक जीवाणुओं बैक्टीरिया को मार देना, और भोजन को सड़ने से बचाना। यानी भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटे तक रुकता है ना, तो उसे सड़ने से बचाने के लिए जो है क्या करता है, यह सक्रिय करता है। सक्रिय मतलब सड़ने से बचाने के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। अब
तो बात करें पेप्सिन का कार्य क्या है, पेप्सिन देखिए सामने लिखा है प्रोटीन का पाचन करना, यानी अमाशय में ही प्रोटीन का पाचन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, बात समझ में आई। उसके बाद ये लास्ट है म्यूकस, क्या है म्यूकस, यह जो है हमारे आ जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है क्या, एक तेजाब ही तो है, अम्ल ही तो है, यह क्या कर सकता है कि अमाशय की हानि पहुंच सकता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अमाशय की दीवारों की रक्षा करने का कार्य कौन करता है, म्यूकस। मतलब होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर सकता है, अमाशय की दीवारों को म्यूकस क्या करता है, बचाता है, बात समझे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के चार कार्य हैं, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को सने से बचाना, हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को मारना, और अगला एक और पेप्सिन को सक्रिय कार्य इसके हो गए, इसका कार्य प्रोटीन का पाचन करना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन को सक्रिय करेगा तभी अमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद म्यूकस का कार्य क्या है, म्यूकस करता ये है कि म्यूकस जो है अमाशय की दीवारों को क्षति होने से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्षति होने से, हानि होने से म्यूकस क्या करता है, उसे रक्षा करता है, बचा लेता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद आते हैं आगे आगे, अब यहां के बाद भोजन 3 से 4 घंटे तक यहां रुकता है अमाशय में, वहां पे भोजन मचता है, क्या होता है, मचता है, उसका पाचन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोक्लोरिक है, और तोड़ने के बाद जब भोजन जो है एक अर्ध तरल सा हो जाता है तब छोटी आंत के बारे में जान लेते हैं। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं, छोटी आंत आखिर है क्या, जरा जान लेते हैं। छोटी आंत की लंबाई छोटी आंत को हम जानते हैं